मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी? हम कर रहे हैं चंद्रबिंदु की माता के अभ्यास। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अपनी पुस्तक अमृता स्वर ज्ञान के पेज नंबर 42 से हम चंद्रबिंदु की मात्रा वाले पाठ के अभ्यास प्रश्नावली हल कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 1 हम कर चुके हैं, आज हम प्रश्न नंबर 2 कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 हम करेंगे अपनी पुस्तक अमृता स्वर ज्ञान के पेज नंबर 42 से। आज आपको क्या करना है, क्या तैयारी करना है आपको? आपको अपनी बुक निकाल कर बैठना है, अमृता स्वर ज्ञान पेज नंबर 42 से अभ्यास करेंगे हम, आप हमारे साथ साथ करेंगे। पेंसिल रबर और बुक लेकर आपको बैठना है। ठीक है बच्चों, आप तैयार हैं? वेरी गुड। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्र बना हुआ है, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। तो जहाँ खाली जगह है वहाँ हमें क्या लिखना है? जो चित्र बने हुए हैं उनका नाम लिखना है। और शब्द किसको होना चाहिए, किस मात्रा के होने चाहिए? शब्द हमें चंद्रबिंदु की मात्रा के होने चाहिए। ठीक है, तो पहला चित्र पहचानिए। पहला चित्र क वाला, पहला चित्र है आपकी बुक में, देखिए आपकी बुक में चित्र आपको ज्यादा अच्छे से पहचान में आएंगे। तो आपकी बुक में देखिए चित्र किसका है? चित्र है पांव। चित्र किसका है? पांव। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? जहाँ खाली जगह है वहां क्या लिखेंगे? पांव। पांव किस प्रकार से लिखेंगे? प, प में आ की मात्रा, चंद्रबिंदु और व, पांव। तो बाकी क्या होगा हमारा? पांव सीधा रखकर चल। पांव सीधा रखकर चल। पांव का चित्र बना हुआ है इसलिए हम पांव लिखेंगे और वाक्य को पूरा करेंगे। वाक्य हमारा होगा पांव सीधा रखकर चल। तो यहाँ खाली जगह पर क्या आ गया? पांव। दूसरा हमारा ख नंबर का चित्र पहचानिए, अपनी बुक में देख के चित्र पहचानिए। आपकी बुक में चित्र ज्यादा स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं। बांसुरी। किसका चित्र है? बांसुरी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जहां पर खाली जगह है वहां क्या आएगा? बांसुरी। बांसुरी किस प्रकार से लिखते हैं? ब, ब में आ, बा, तो ब के ऊपर चंद्रबिंदु। स, स में छोटी उ की मात्रा, र, र में बड़ी की मात्रा, बांसुरी। और ये खाली जगह पर पूरा हुआ वाक्य हमारा। बांसुरी बजा, बांसुरी बजा। पांव सीधा रखकर चल, बांसुरी बजा। अगला प्रश्न हमारा कंचन का चित्र पहचानिए, लहंगा। कंचन का लहंगा बड़ा सुंदर है। कैसा है? बड़ा सुंदर है। तो लहंगा कैसे लिखेंगे? ल हंगा। तो ह पर चंद्रबिंदु और गा में आ की मात्रा, लहंगा। कंचन का लहंगा बड़ा सुंदर है। पहला प्रश्न, पहला वाक्य था हमारा पांव सीधा रख कर चल, बांसुरी बजा, कंचन का लहंगा बड़ा सुंदर है। अगला चित्र पहचानिए। अगला चित्र हमारा आंख। आंख, आंख किस प्रकार से लिखेंगे? आ, आ की मात्रा, चंद्रबिंदु और ख, आंख से हम देखते हैं। वाक्य पूरा हुआ और खाली जगह हमारी क्या भरी? खाली जगह पर आंख। तो हमें शब्द कौन कौन से मिल गए? पांव, बांसुरी, लहंगा और आंख। पहला वाक्य हमारा हुआ पांव सीधा रखकर चल, दूसरा वाक्य हुआ बांसुरी बजा, तीसरा वाक्य हुआ कंचन का लहंगा बड़ा सुंदर है, और चौथा हुआ हमारा आंख से हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 2 पूर्ण हुआ। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा सही अक्षर पर चंद्र बिंदु लगाइए। अक्षर देखना है हमें, बोलना है
और फिर बोलकर हमें सही अक्षर पर ही चंद्र बिंदु लगाना है। तो हम शुरू करें। हमारा पहला शब्द है जाघ। जाघ कोई शब्द होता है नहीं, तो हम कहाँ पर लगाएंगे चंद्र बिंदु? जांघ, जांघ। तो हम किसके साथ न से बोल रहे हैं? ज को न से बोल रहे हैं हम, तो ज पर हमारा चंद्र बिंदु लगेगा। जांघ, जांघ बोलकर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि चंद्रबिंदु कौन से अक्षर पर लगेगा। फांसी, फांसी, तो चंद्रबिंदु लगेगा फ पर। फांसी। फांसी, जांघ, फांसी। अगला शब्द देखिए कलियां, या, तो य पर चंद्र बिंदु। कलियां, क ल, ल में छोटी की मात्रा ली, य में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। शब्द हमारा हुआ कलियां, शब्द हुआ हमारा कलियां। ऊंचा, ऊंचा, हम नाक से क्या बोल रहे हैं? ऊ को, तो ऊ पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगेगी। ऊंचा, ऊंचा। हम अगर किसी भी शब्द को बोलकर देखेंगे तो भी हमें समझ में आएगा कि चंद्रबिंदु किस अक्षर पर लगेगा। जैसे जांघ, जांघ, फांसी, कलियां, ऊंचा। अगला शब्द हमारा तांगा, तांगा। तांगा कैसे लिखेंगे? त लिखेंगे, आ की मात्रा, त के ऊपर चंद्रबिंदु, ग और आ की मात्रा। तांगा, तांगा। अंगीठी, अगला शब्द है हमारा अंगीठी। तो आ के ऊपर चंद्रबिंदु लगेगी, ग ठी। अंगीठी, तो आ के ऊपर हमारी चंद्रबिंदु लगेगी, होगा अंगीठी। जांघ, फांसी, कलियां, ऊंचा, तांगा, अंगीठी। अगला शब्द है हमारा झांक, झांक। झ, झ पर चंद्र बिंदु और क, झांक, झांक। अगला शब्द है हमारा हाफना, हाफना। तो किस पे चंद्र बिंदु लगेगी? ह पर। हा चंद्र बिंदु, फ ना, हाफना चंद्र बिंदु लगेगी ह पर, हाफना। आंवला, आंवला, तो चंद्र बिंदु किस पे लगेगी? आ पे चंद्र बिंदु, ब ला, आंवला, आंवला। आ रहा है आपको समझ में? आंधी, आंधी, तो आप चंद्र बिंदु लगेगी। आंधी। शुरू से हम शब्द पढ़ेंगे। जाग, जाग का जांग। फांसी, फांसी का फांसी। कलिया, कलिया का कलियां। ऊंचा, ऊंचा का ऊंचा। तागा, तागा का तांगा। अगीठी, अगीठी का अंगीठी। झाक, झाक का झांक। हाफना, हाफना का हाफना। आंवला, आंवला का आंवला। आंधी, आधी का आंधी। तो इस प्रकार से चंद्र बिंदु लगाने से किसी भी शब्द का मतलब ही बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं कलिया, कलिया नहीं, तागा, तागा मिस, तागा भी गलत होता है, वो धागा होता है ना। आधी, आधी, आधी हम बोलते हैं ना, आधी है ये, पूरी नहीं है, लेकिन जब चंद्र बिंदु लग जाएगा तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। आंधी, आंधी मतलब धूल भरी हवा, तेज हवा। आंधी, धूल भरी तेज हवा, आंधी। तो इस प्रकार से आपको हमने प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 कराया है, और इसके साथ ही हमारा ये पाठ यहाँ पर
समाप्त होता है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपको अगले नई मात्रा के साथ। तो जब तक आपको क्या करना है, इसकी तैयारी करना है, इसका अभ्यास करना है, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से करना है, इसका अभ्यास करना है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगली नई मात्रा के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना। बाय।